जो हमारा सवाल ये था कि जो ब्रेड और बेकरी का सामान जो मिलता है मार्केट में उसमें कुछ ना कुछ अंश मार्केट वाले ही या बनाने वाले ही उसमें अंडे का मिला देते हैं या कुछ ऐसा जंक मिला देते हैं या अछूत तेल मिला देते हैं उसमें सो so, वो उसका खाना ना खाना बच्चों में वो ज्यादा हैबिट है उनकी रोज स्वीट ब्रेड सुबह खानी है ऐसा ब्रेड खाना सैंडविच खाना उसका कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए नहीं खाना चाहिए मैं तो कहूंगा बिल्कुल मत खाइए हाँ हा, कभी वन से मून कभी आपको छः महीने में कुछ ऐसी चीज़ की और वो भी घर में बना लें तो अच्छा है घर में अगर बना करके कर सकें तो अभी ये वैसे तो ये केक पेस्ट्री पेटीज और ये सब हमारे खाने हैं नहीं एक्चुअली ये औ, ये अपने आप में ही बासी बनता है इसका प्रोसीजर ही ऐसा है कि जब तक बासी नहीं होगा ये बनेगा ही नहीं जब तक उसमें खमीर नहीं उठेगा जब तक उसका जो एक फॉर्मेशन है प्रोसेस जो उसका फूड का प्रोसेस प्रोसीजर है बनाने का उसमें वो फॉर्मेशन करना ही ज़रूरी है और बासी भोजन जो बहुत ठंडे देश हैं अभी कहाँ से आया पश्चिम के देशों से आया अब वहाँ तो माइनस ट्वेंटी डिग्री है जर्मनी में माइनस टेन डिग्री है स्विट्जरलैंड में माइनस ट्वेंटी फाइव डिग्री है वहाँ तो बाहर भी फ्रिज है अंदर भी फ्रिज है बाहर बन रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं अंदर बन रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं यहां बना तो आपने चलो एयर कंडीशन स्टोरेज में लिया पर जिसे लेकर के वो जब रेडी पर या किसी छोटे हाथी में या किसी जीप में जब वो ब्रेड सवार होकर के कहीं जा रही हैं दूसरे शहर उसी बीच में वादी ज्यादा खराब हो चुकी होती हैं लेकिन हम है उसमें देखते हैं मैन्यूफैक्चरिंग डेट आज की है वो हम उसे इंटेक करते हैं ऐसे ही जिसमें वो एग्लेस लिखते हैं कुछ चीजें ऐसी बिना एग के बनती नहीं है वो उसमें डालते ही डालते हैं और एक और उनकी एक और प्ली है अभी एक वो कहते हैं जी एक तो हरी है। वो एक नहीं, नहीं समस्या पैदा है वो विदेशों में तो पूरी तरह से डिक्लेयर ही है उनकी तरफ वो कहते जी एग शाख मैंने कहा पेड़ पर लगता है कोई तो एक जानवर के शरीर का अंश है शाकाहारी कैसे हो जाएगा ये तो वनस्पति से तो आया नहीं और इसमें अंदर भ्रूण है अगर इसे आप खाए नहीं तो बच्चा निकलेगा कह तो जीवन ही तो ये नहीं अब बच्चे देखा देखे चलते हैं अच्छा माताओं में भी क्या हुआ है कि सबकी बात मैं नहीं कहता पर ज़्यादातर घरों में औरतें भी थोड़ा सा काम से बचने के चक्कर में उन्हें शॉर्टकट लगता है ये बीस रुपए की ब्रेड लेके आ जाओ फटाफट फटाफट फट साहब का नाश्ता गया वरना उतनी देर रोटियाँ बनाएंगी पराठा दलिया कुछ भी बनाएंगी तो उसमें पर वो हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं कि वो हमारे लिए बोझ है अगर हम उनसे प्रेम करते हैं और हमारा वो एक एसेट है हमारा एक वो धरोहर है और हमारी एक वो पूंजी है और हमारा भविष्य है तो हमें उसे ठीक से नर्चर करना चाहिए ये ब्रेड ब्रेड कभी टेस्ट बदलने के लिए कभी किसी ने खा लिया तो तो ठीक है लेकिन ये हर समय भोजन का हिस्सा नहीं होना चाहिए और ये मैदा होने की वजह से ये एंटेस्टाइट जो हमारी आते हैं उसको ब्लॉक कर देता है फिर बुद्धि ठीक नहीं चलेगी स्किन साफ नहीं होगी स्किन एलर्जी होने लगेगी झाइया पड़ने लगेंगी बाल झड़ने लगेंगे समय से पहले आपको बुढ़ापा नजर आने लगेगा और बहुत सारी चीजें खराब होने लगेंगी तो ये आतों के लिए जहर है मैदा जी जबकि जो मोटा जो चौकर वाला आटा है या चौकर वाली चीज़ें वो हम दलिया सबसे अच्छा खाना था पर से हम सोचते हैं तो गरीबों का खाना है वो गरीबी सबसे ज़्यादा मेहनत का काम कर रहा है और वो फिट भी है उसे कोरोना भी नहीं हो रहा वो हर तरह से फिट तरीके उसका मतलब घर पर गृहस्थी भी ठीक है उसके बाल बच्चे भी ठीक है, हैं हम डॉक्टरों के पास मशवरा करते घूम रहे हैं हर चीज़ के लिए तो हमें थोड़ा सा टूवर्ड्स रूट्स हमें अपने जड़ों की तरफ जाना पड़ेगा मेरा अगला सवाल है एक संशय बना हुआ है वेजिटेरियन को लेके कुछ लोग दूध को नॉन वेज मानते हैं कुछ लोग अंडे को वेज मानते हैं <laughs> देखो अंडा जो जानवर अंडा देता है वो प्राय दूध नहीं देता जी। और जो दूध देता है वो कभी अंडा नहीं देता चमगादड़ स्तनधारी है तो अंडा नहीं देता लेकिन चील वो अंडा देती है और जो ये ए, इसमें भी पूरा पूरा एक विधान है कि इसके पंजे कैसे हैं जो खुर वाले जानवर हैं उनका दूध ही पीने योग्य है खुर वालों में भी एक खुर दुई खुर वाले जानवर हैं फिर जैसे तो ऊंट है तो उसका कुछ विषम परिस्थितियों में आप इनटेक कर सकते हैं बकरी है, है उसको कुछ विषम परिस्थितियों में इनटेक कर सकते हैं गाय है वो सर्वोत्तम है फिर जितने भी ये जानवर हैं ये मांसाहार नहीं करते जो स्तनधारी हैं और दूध देने वाले पशु हैं जिनके दूध का ग्रहण करने की योग्यता बताई गई है वो कभी भी मांस नहीं खाते गाय कभी आमलेट नहीं खाएगी भूखी मर जाएगी गाय कभी अंडा नहीं खाएगी हिरण कभी भी मांस नहीं खाएगा मांसाहारी जानवर भी शाकाहारी जानवर को खाता है शेर कभी भी गीदड़ को नहीं खाएगा भेड़िए को नहीं खाएगा शेर हिरण का शिकार करेगा गाय का करेगा हाथी का करेगा हाथी सबसे ज़्यादा शक्तिवर्धक जानवर है शक्तिशाली जानवर है लेकिन वो गन्ना चूसता है जी वो कभी आपको मीट खाता हुआ नहीं मिलेगा तो मीट की जो ताकत है अंडे की जो ताकत है ये तमस की ताकत है और क्षणिक ताकत है शेर अभी खाएगा फिर 24 घंटे तक पड़ा रहेगा बारह फिट की आँत होती है शेर की अभी खाता है तुरंत फ्रेश भी हो जाता है लेकिन आदमी की छत्तीस फीट की आते हैं अगर आदमी मांस खाता है तो मांस उसके शरीर में सड़ता है उससे बीमारियां पैदा होती हैं उसमें बहुत जितनी भी टिस्ट लगा हुआ है जितनी कोलाइट जितनी भी टिस्क की बीमारियां हैं आंतों से संबंधित वो मांसाहार और अंडे के खाने से शुरू होती हैं क्योंकि तो हमारा प्रोसीजर ही किसी और तरह का बना है जो जानवर सुड़क कर पानी पीते हैं वो उनका ही दूध पीने योग्य होता है जो चपचप -चप करके पीते हैं उनको दूध पीने योग्य नहीं होता स्तनधारी तो आप कह सकते हैं अंडा तो कुत्ता भी नहीं देता बच्चा देता है लेकिन कुत्ते का दूध अपनी बुत्याज्य नहीं है वो चपचप -चप करके पानी पीता है तो ये पूरा इसका पूरा विधान है हमारे काक शास्त्र में इसका पूरा एक वर्णन आता है कि कैसे कौन जानवर किस जानवर का क्या चीज हम कर सकते हैं भैंस के दूध का भी अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए वो शरीर में तमस को पैदा करता है यानी कि हिंसा को सेक्स को व्यसन को क्रोध को बल को और ऐसी चीजों को पैदा करेगा गाय का दूध सात्विकता की तरफ ले जाता है आपको गर्दन से ऊपर गाय का दूध फल देता है गर्दन से नीचे भैंस का दूध फल देता है जब गाय के दूध के गाय के दूध से बने हुए घी से यानी गाय के घी से आप अग्निहोत्र करेंगे तो डिफरेंट टाइप की एनर्जी इन्वाइट होती हैं जब भैंस के घी से करेंगे तो कुछ और इन्वाइट होता है कभी करना ही नहीं चाहिए हम तो त्याज्य करते हैं कुछ लोग दिया जगाते हैं कुछ कर कभी नहीं करना चाहिए शुद्ध घी का मतलब गाय का ही घी होता है शुद्ध घी मतलब भैंस का घी नहीं होता तो ये ये छोटी छोटी बातें अगर हम ख्याल में लें तो ये दूध भी वो सारे वो जानवर जो शाकाहारी हैं शाक पात में गाय जितनी वेजिटे जो वेजिटेर वेजिटेबल के लेवल पर जो घास पात के लेवल पर जो शाक और पत्ती के लेवल इस शाकाहारी बना शाक से मनुष्य वैसे ना शाकाहारी है ना मांसाहारी है मनुष्य फलहारी है गेहूं भी फल है चना भी फल है जो भी फल है मूंग भी फल है उड़द भी फल है सेब भी फल है मनुष्य सिर्फ फलाहारी है शाकाहारी तो मतलब हम घास थोड़ी खाएंगे तो शाक पात बना है जो घास फूस तो घास फूस जो ये जानवर खाते हैं फिर उन घास फूस में जितना भी क्लोरोफिल है सूर्य की जितनी ऊष्माएं हैं सूर्य की जितनी ऊर्जाएं हैं सूर्य का जितना ताप और बल है उसे घास फूस बनता है वो बल कन्वर्टेड होकर के परवर्टिड होकर के हो उस घास पत्ती में आ जाता है वो घास पत्ती दूध में ट्रांसफॉर्म होकर के हमारे शरीर को बल और तेज प्रदान करती है अब एक बहुत बड़ा समुदाय है दुनिया में जो वीगन के नाम से प्रसिद्ध है वो लोग कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खाते जो जैसे दूध भी नहीं सेवन नहीं करते पनीर भी नहीं खाते हैं वो बहुत बड़ा तबका है उनका विदेशों में है काफ़ी भारत में भी कुछ परिवार हैं गोवा में और उस तरफ कई जगह हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते जो जिस जो पशुओं से संबंध रखती हो वो सिर्फ वेजिटेरियन चीज़ों को ही इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स ही खाते हैं फल ही खाते हैं उनमें भी उनकी बड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कोई किसको खाना है किसको नहीं तो वो अलग 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 अपनी धारणाएँ हैं तो अगर हम उसको लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए कौन सी चीज उपयोगी है और कौन सी चीज उपयोगी नहीं है अति सर्वत्र वर्जे थे। अतिरेक में रहना हर चीज को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना हमेशा किसी न किसी रूप में हमें जीवन में हमारे जीवन में दुखों को ही आमंत्रित करता है लेकिन दूध गौ गो, गो दूध जो है इसका कोई दोष नहीं है और यह सेवन करने योग्य है और वो अलग तरह के प्ली है लोगों की कैसा मांसाहारी है ये है लेकिन वो ऐसा नहीं है गाय का बछड़ा भूखा मर जाएगा किसी मरे हुए पशु को पड़े हुए कभी नहीं खाएगा को गोंग का कोई भी जानवर भैंस भी नहीं खाएगी हिरन भी नहीं खाएगा हाथी भी नहीं खाएगा चाहे भूखा मर जाएगा तो ये हम इन चीजों की तुलना करने लगते हैं कि सारे पशु सारे पक्षी सब एक जैसे ऐसा नहीं है और जो लोग मांसाहार करते हैं उन मांसाहार के भी नियम उनके धर्म में पूरे अच्छे से वर्णित हैं जो लोग मांसाहार को करते हैं उनके भी कुछ नियम और कायदे कानून बताए गए हैं तो ये पूरा का पूरा किन महीनों में कैसे क्या की पूरा वो भी अपने जहां हालांकि उनकी मजबूरी है क्योंकि मिडिल ईस्ट में वनस्पति है ही नहीं गोभी मिलेगी पाँच सौ रुपये किलो बकरी मिलेगी पचास रुपए किलो तो लोगों ने मजबूरी में उसको शुरू कर दिया पर हमारे यहाँ जहां इतनी दालें इतनी सब्जियां इतने फल इतने वनस्पति इतनी चीज़ें हों वहां भी हम मांसाहार करें तो हमसे ज़्यादा दयनीय कोई है नहीं और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है और हम अपने भाग्य को अपोच करते हैं ख़राब करते हैं मांसाहार करने वाले व्यक्ति का भाग्य कभी भी बली नहीं होता अगर अब आप, आप कहेंगे किसी बहुत सारे लोग हैं जो मीट खाते हैं सब बड़ी प्रोग्रेस कर रहे हैं अभी अब देखो ना जरा यात्रा तो देखो उनकी और उनमें भी जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम अंडा भी नहीं खाते थे <kuh> बिल गेट्स शराब की बूंद भी नहीं टच करते मांसाहार तो बहुत दूर की बात है किसी भी फील्ड के आप बड़े से बड़े आदमी को चुन लें तो वो बहुत, वो बहुत सब आपको ऐसे ही मिलेंगे वो सब शाक पात और हरी सब्जियां और फूल और फल ऐसी चीजें खाने वाले लोग मिलेंगे आपको

तो वो उस समय की एक आप सोच रहे बड़ी हो बड़ी समृद्धि होगी बड़ी चीज़ होगी ऐसा नहीं है ये जो हमारा जो भारतीय हिंदू दर्शन है हिंदुओं का जो भोजन है हिंदुओं का जो खाना पीना रहना सहना यही सर्वोत्तम है और यही सदा सर्वदा रहने वाला है और यही सदा विजयी भी होगा बड़े बड़े लोग जिन्होंने कुछ शुरुआत की वो बाद में जाकर के सब पूर्ण शाकाहारी हो गए और पूर्ण सात्विक हो गए तभी उनके जीवन अच्छे हुए और जितने भी लोग कामयाब आप दुनिया के ले लीजिए कोई भी व्यक्ति वो सब आपको शाकाहारी और सब बिना किसी नशों से सबसे दूर मिलेंगे आपको तो ये छोटी छोटी चीजें हम कई बार ऐसे समझ नहीं पाते इनको ऐसे इनकी, ला, इनकी लाइन लगी हुई है मुकेश अंबानी अडानी ये आपके हिंदुजा आपके दमानिया बिड़ला भी आदमी ऐसा नहीं था कि अंडा भी बनता हो कभी बीड़ी सिगरेटर सबकी बात तो बहुत दूर की है तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए इस बात का और अगर हम कई बार कुछ ऐसे लोग हैं कि चलो सिनेमा इंडस्ट्री बड़े नाम हो गए उनके बच्चे देखिएगा आप ये एक, एक ग्रोथ है ये सौ वर्ष में जो जीरो है वो हीरो हो जाएगा जो हीरो है वो जीरो हो जाएगा बचेगा और संभलेगा वो जो सात्विकता के पथ पर चलेगा उसकी पीढ़ियां तो चलती चली जाएंगी वरना जो खाकपति है वो लाखपति होगा जो लाखपति है वो खाकपति होगा सौ वर्ष में जीरो वहीं वर्तुल वहीं पहुंच जाता है और 48 में जाके इसके वो सब शुरू हो जाते हैं तो इसलिए हम इस बात को अगर ख्याल में करें उन्हीं की जैसे कहते हैं खानदानी रईस या खानदानी लोग वही होते हैं जो इस तरह से चलते हैं और ये बीच में जेक जैक पैसा आया खूब शराब शुरू कर दी पैसा आया खूब अयाशी शुरू कर दी पैसा आया खूब मांस खाने लगे कुछ और करने लगे बस अब आपके पतन का ग्राफ धीरे 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 आपके जो टाइटेनिक है उसमें सुराख हो गया बस डूबेगा थोड़ा समय लेगा डूब जाएगा अब जब आपकी अगली पीढ़ी आएगी तो फिर नशों में पकड़ी जाएगी जहाज़ों पर कहीं ना कहीं फिर आप उसकी क्षतिपूर्ति में ही अपने पूरे जीवन की कमाई पूंजी यश सब अब तो आ गए ना टेंशन में आप कितने बड़े सितारे थे लेकिन आपका बच्चा तो पकड़ा गया ना जहाज पर ड्रग्स पीता हुआ उसका जीवन तो चौपट हो गया ना कभी किसी बड़े पद पर नहीं जा सकता कभी कोई चुनाव नहीं लड़ सकता कभी सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगा वो बस नशा ही और बढ़ता जाएगा फिर जो अब ये डेंट लगा इस डेंट को मैनेज करने में आप दूसरा डेंट पैदा कर लेंगे अब ठीक है आप खुद पैसा रखा है वो लक्ष्मी ने जाने का वास्ता तलाश लिया अब ये अलक्ष्मी थी अभी वापस जाने शुरू हो गई है और बीस साल बाद जीरो हो जाएंगे ऐसे चलता है हां अगर उस समय हम समझ जाए और उस तरह से चले फिर चीजें बढ़ती जाती हैं आर्यम शरण शुभ मस्त संभव कर्णमस्तु आर्यम शरण शुभ मस्त संभव